ऋषि प्रसाद के इस विशेषांक में आप पाएंगे भक्तों की अटूट श्रद्धा के पीछे क्या है राज। पांच प्रधानमंत्रियों, कई मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और राष्ट्रपतियों ने जिनके सत्संग और दैवी कार्यों की सराहना की है, ऐसे 76 वर्षीय संत की लड़खड़ाती तबीयत के बावजूद उनके साथ इतना अन्याय कब तक। पृष्ठ 3 पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के विचार। आशाराम जी बापू के खिलाफ केस बनता ही नहीं है, इनको निर्दोष बरी करना ही पड़ेगा। दंडित होने के बावजूद कईयों को जमानत मिली है, तो निर्दोष बापूजी को जमानत क्यों नहीं दी 20 महीने से? ये भारत में एक रिकॉर्ड है, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। पूज्य बापूजी को कारागार भेजे जाने पर अन्याय का विरोध करते हुए शिवसेना प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे ने कहा था, पूज्य बापूजी को बेवजह परेशान न किया जाए। बापूजी के सत्संग में पधारे श्री उद्धव जी के उद्गार, बापूजी हमें आपके मार्गदर्शन की जरूरत है, वह सतत मिलता रहे, सत्य का मार्ग कभी न छूटे, ऐसा आशीर्वाद दो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी कहा है कि बापू के खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है, प्रारंभ से ही वे एक राजनीतिक पार्टी के निशाने पर है। पूज्य बापूजी की प्रेरणा से नेपाल के भूकंपग्रस्त इलाकों में जारी है राहत सेवा कार्य। भूकंप पीड़ितों की सेवा के लिए कच्चा राशन, सब्जियां, कपड़े, बिस्कुट, नमकीन, पानी, दवाइयां आदि राहत सामग्री से भरे ट्रकों के साथ सेवाधारियों एवं डॉक्टरों के दल भी नेपाल पहुंचे।